गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। माई सेल्फ अमृत पाठक, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का पहला यूनिट, ओवरव्यू ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, ओवरव्यू किसका, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का, मतलब इस सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू देखेंगे कि आखिरकार ये सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ना है, सिविल में क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो वो सारा कुछ देखेंगे। पहले इसका सिलेबस देखते हैं कि आपको यूनिट वन में क्या पढ़ना है। देखिए, यूनिट वन में आपको क्या पढ़ना है, डिफिनीशन ऑफ सॉइल, आखिर सॉइल क्या होता है। फिर क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप सॉइल जो पढ़ रहे हैं उसका सिविल इंजीनियरिंग से क्या लेना देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फील्ड एप्लीकेशन ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग फॉर फाउंडेशन डिजाइन। मतलब ये तो चलिए बता दिया गया कि आपको कहीं ना कहीं सिविल से कोरिलेट किया जाएगा 1.2 टॉपिक में। उसके बाद वाले टॉपिक में खुद ही बोल रहा है कि फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए, पेवमेंट डिज़ाइन के लिए, डिज़ाइन ऑफ अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर और डिज़ाइन ऑफ अर्थन डैम। मतलब क्या हो गया कि इन सब के बारे में आप थोड़ा बहुत बताइए, क्या कह रहा है, ब्रीफ आइडिया ओनली, सिर्फ आइडिया देना है क्या कि इन सब के बारे में हमारा जियो टेक्निकल कहाँ यूज़ हो रहा है। मतलब अगर आप फाउंडेशन बना रहे हैं, फाउंडेशन चाहे रोड बना रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं तो आपका यूज़ कहाँ का आ रहा है, मिट्टी कहीं आ रहा है। आप लास्टली फाइनली आप लोड कहाँ पे दे रहे हैं, मिट्टी पे दे रहे हैं। आप अगर सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है ना, आप अगर सिविल इंजीनियर हैं तो आप कोई भी स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है, आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाइए, उन सब का फाइनली आप लोड कहाँ ट्रांसफ़र करिएगा, सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र करिएगा। तो वो अगर वो सॉइल के बारे में जानना पड़ेगा ना कि वो सॉइल आखिर कैसा है। ठीक है, वो आपका बियर कर पाएगा कि नहीं, लोड बियर कर पाएगा कि नहीं। उसके बाद उस सॉइल में पानी, मतलब एक नहीं होता कि थोड़ा सा भी पानी मिला दो तो तुरंत कीचड़ बन जा रहा है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के से रिलेट कर रहा है। तो ये सारा कुछ जो हम लोग पढ़ेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर, यही सब पढ़ेंगे यूनिट टू में, यूनिट थर्ड में, फोर्थ में, यही सब पढ़ना है। क्या कि वो एक बियरिंग कैपेसिटी एक यूनिट है, आपका परमेबिलिटी एक यूनिट है, शेयर स्ट्रेंथ एक यूनिट है। तो ये सब क्या जानकारी दे रहा है कि आखिर वो सॉइल उस लायक है कि नहीं। कोई भी आप घर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, तो वो सारा कुछ तो मिट्टी लेगा लोड, तो वो मिट्टी आपके उस स्ट्रक्चर के लायक है कि नहीं है आपको कौन बताएगा, जियो टेक्निकल इंजीनियर बताएगा। कि कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई इंजीनियर को हायर करते हैं कि भाई बताइए कि हम जो फाउंडेशन बना रहे हैं वो कितना डीप लेके जाएं। ठीक है, हो सकता है कि बहुत मजबूत हमारा सॉइल मिल गया तो हमें खर्चा कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब ये कौन बताया कि वो आपका स्टार्टर जो आपका सैंड, मतलब ये है मिट्टी है, वो बहुत मजबूत है। तो वो तो कहीं ना कहीं आपको जियो टेक्निकल इंजीनियर ही बता पाएगा। ठीक है, तो वो सर्वे होता है, उसके उससे हम लोग क्या करते हैं, जानकारी ले लेते हैं कि मिट्टी कैसा है, क्या है। लेकिन आपको सिर्फ यूनिट वन में अगर बात करें जाए तो सिर्फ आपको बस एक ओवरव्यू थ्योरी, पूरा थ्योरी है ये टोटल चैप्टर, टोटल यूनिट। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन ऑफ सॉइल से। व्हाट इज सॉइल, ये टॉपिक आप लोग उसके अंदर पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन में। तो फिर से एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं फटाफट, यहां से आपका जियोटेक स्टार्ट है इसीलिए हम इसको दोबारा देख रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज सॉइल है, द वर्ड सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोलियम। ठीक है, तो ये क्या चीज से बना हुआ रहता है, सोलियम से। मतलब ये वो वर्ड है, ये जो वर्ड सॉइल बना हुआ है ये सोलियम से बना हुआ है, लैटिन वर्ड सोलियम से, विच मीन्स द अपर लेयर ऑफ अर्थ। क्या इसका क्या मतलब होता है कि वो उसका मतलब होता है, सोलियम का ये मतलब होता है कि ये डिफाइन क्या कर रहा है, अपर लेयर ऑफ अर्थ, कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। ठीक है, अपर लेयर ऑफ अर्थ दैट स्पेसिफिकली द लूज सरफेस मटेरियल ऑफ अर्थ इन विच प्लांट ग्रो। एक ऐसा सतह, एक ऐसा लेयर जो कि लूज मटेरियल से बना हुआ रहता है और जिसपे हम लोग पेड़ पौधा उगाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉइल कहेंगे। चलिए ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा बात हो गया। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द टॉप सॉइल कंटेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि जो सबसे ऊपरी सतह होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं, कीड़ा मकोड़ा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, मोर फर्टाइल। मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर आप लोग ना डायरेक्ट घर नहीं बना सकते हैं, मोर फर्टाइल है, डायरेक्ट आप ना ऊपरी लेयर पर घर नहीं बना सकते, फाउंडेशन नहीं बना सकते। ठीक है, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, द टॉप सॉइल कंटेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऊपरी सतह को आपको धूप बारिश सारा कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना वो घर के लोड को सह सके।
तो वही कह रहा है एंड इज नॉट सुटेबल एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और इसलिए उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं बन सकता और एज अ फाउंडेशन फॉर स्ट्रक्चर, और मतलब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा और कोई फाउंडेशन आप डायरेक्ट ऊपर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। द टॉप सॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, जो ऊपरी लेयर है ऊपरी सतह को आपको क्या करना, हटाना होगा, रिमूव करना होगा, उसके बाद हम कोई फाउंडेशन उसमें बना सकते हैं, ठीक है। और आप जनरली देखते भी होंगे कोई भी कंस्ट्रक्शन घर बनने से पहले कि मिट्टी का वहाँ कटैया होता है, क्या होता है कि एक्सकवेशन कहते हैं उसको, एक्सकवेशन कर करके फिर हम लोग क्या करते हैं फाउंडेशन का नींव स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर लास्ट पैराग्राफ कह रहा है द टर्म सॉइल इन द सॉइल इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज एन अनकंसोलिडेटेड मटीरियल, मतलब बिना उसको डिस्टर्ब किए, कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है, बिना कॉम्पैक्ट किए, कंसोलिडेटेड मटीरियल कंपोज्ड ऑफ सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। किस चीज से बना हुआ है, सॉलिड पार्टिकल, कहीं ना कहीं ये सॉलिड का कण है, छोटा छोटा कण सॉलिड पार्टिकल का है, कंपोज्ड ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाई द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। और ये कैसे बना है, ये तो ये पत्थर का टुकड़ा है, ये सब रॉक का ना कहा जाता है कि रॉक का छोटा 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 टुकड़ा हुआ तब जाकर के सॉइल बना। तो सॉइल का डेफिनेशन ये भी होता है कि ये किस चीज से बना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, मतलब डिसइंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि टूटना, ठीक है, रॉक का टूटना, डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, ऑफ रॉक फुल स्टॉप। द वाइड स्पेस बिटवीन द पार्टिकल मे कंटेन एयर वाटर और बोथ, मतलब क्या हो गया, सिंपली अगर आप कोई भी मिट्टी लेते हैं यहाँ पे, अगर बाय द वे इसी का एग्जांपल लेते हैं तो ये मिट्टी है आपका, ठीक है, तो इस मिट्टी के अंदर बहुत सारे छेद हैं, वॉइड्स कहते हैं उसको, ठीक है ना, याद रखिएगा इस छेद को, यहाँ पे जो बहुत सारे पोर्स हैं इसमें छेद हैं उसको क्या कहेंगे, वॉइड कहेंगे। तो इस वॉइड में क्या हो सकता है, अगर आप एक गिलास जा करके मिट्टी लेके आ गए रोड से, ठीक है, एक गिलास लेके आए, तो उस गिलास में मिट्टी का सॉलिड तो पार्टिकल है ही, और जो खाली जगह है उस खाली जगह में या तो हवा होगा, ठीक है, या तो पानी होगा, या तो दोनों होगा, ठीक है। इसका यह मतलब हो गया कि अगर सिर्फ हवा है तो आप एकदम सूखा सॉइल लेके आ गए हैं, ठीक है, अगर सिर्फ हवा है तो आप कहीं ना कहीं से सूखा सॉइल लेके आए हैं, बिल्कुल ड्राई सॉइल है। अगर आप बिल्कुल बोल रहे हैं कि खाली पानी भरा हुआ है, हवा नहीं है उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं आप कीचड़ उठा के लेके आ गए, ठीक है, कीचड़ ले गया कि उसके सारे पोर्स में खाली पानी भरा हुआ है, तो वो कीचड़ है एकदम, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं क्या कि आपको दोनों हैं, तो कोई भी एक मॉइस्ट सॉइल, मतलब भीगा हुआ सॉइल उठा के लेके आ गए हैं, ठीक है, उसके अंदर हवा भी है और पानी भी है, तो ये सारा कुछ क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ सॉइल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ सॉइल, ठीक है, ओरिजिन ऑफ सॉइल, उससे पहले हम इसका बात कर लेते हैं कि अभी जो भी एक पेपर हुआ था हाल फिलहाल में, बीपीएससी एई का पेपर हुआ था, ठीक है, तो बीपीएससी एई के पेपर में क्या सिंपली पूछा था कि इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीवल, ये जो प्रोसेस है इसका सीरियल पूछ लिया था कि पहले कौन होता है, ठीक है, चार ऑप्शन दिया गया था, इधर उधर कर करके ये वाला क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो ये सिंपल है कि कहीं भी कोई रॉक है, ठीक है, कोई रॉक का पहाड़ है, उससे क्या होता है, इरोजन होता है, इरोजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है ना, इरोजन हो गया, इस रॉक का इरोजन हुआ। अब ये इरोजन कैसे होता है, ठीक है, इरोजन कैसे होता है, बारिश के वजह से हो जाता है, हवा के वजह से हो जाता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के वजह से हो जाता है, तो ये सब चीज़ देखते हैं अभी हम लोग। तो इरोजन हुआ सिंपली, ठीक है, इरोजन होने के बाद ये ट्रैवल किया, ट्रांसपोर्ट हुआ, यहाँ से कोई भी मीडियम से ट्रांसपोर्ट हुआ, उड़ के गया, बह करके गया, पानी के साथ बह गया, तो ये ट्रांसपोर्ट हुआ और कहीं ना कहीं डिपॉजिट हुआ, कहीं जा करके इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होते होते अपहीवल बना दिया, ठीक है, एक ऐसा चट्टान टाइप का, एक पहाड़ टाइप का फिर से बन गया। तो वही चीज़ प्रोसेस दोबारा होने लगता है, वो पहाड़ बन बन के फिर से इरोजन होगा, तो इससे क्या बनता है, हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। देखिए वेदरिंग के वजह से, वेदरिंग के वजह से क्या हो गया, इरोजन और वेदरिंग यहाँ सेम है, ठीक है, तो इरोजन और वेदरिंग, वेदरिंग हो जाना, वेदरिंग मतलब क्या होता है कि धूप, बारिश, ये सब के वजह से वेदरिंग हो जाना, वेदरिंग मतलब क्या हो गया, इरोजन हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर कहीं ना कहीं डिपोजिशन हुआ, फिर अपहीवल बना दिया, ठीक है, और फिर वापस से वही प्रोसेस होता है एक, ठीक है ना, ये रोटेशन होते रहता है, तो इससे हम लोग का क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हो जाता है। फिर क्या है, ओरिजिन ऑफ सॉइल की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा कि सॉइल आर फॉर्म्ड बाई वेदरिंग ऑफ रॉक, ठीक है, सॉइल कैसे बन रहा है, वेदरिंग ऑफ रॉक से बन रहा है ड्यू टू मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन को फिजिकल डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट वही देखेंगे।
मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन व्हेन अ रॉक सरफेस गेट एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। मतलब ये जो रॉक है ये पूरा एटमॉस्फेयर में खुला है, ठीक है। अगर ये कहीं बंद रहता तो इसका इरोजन नहीं हो पाता, ठीक है, लेकिन ये खुला है। कह रहा है एक्सपोज टू द एटमोसफेयर फॉर एन एप्रिसिएबल टाइम इट डिसइंटीग्रेट फॉर डिकम्पोज इन टू ए स्मॉल पार्टिकल एंड दस द सॉइल आर फॉर्म्ड। मतलब कि अगर थोड़े समय के लिए भी अगर ये खुला रह गया, मतलब एक्सपोज टू द एटमोसफेयर, मतलब एक हवा, मतलब होता है ना कि वातावरण में ये खुला रह गया, तो ये क्या हो जाएगा, समय के साथ डिसइंटीग्रेट होगा और डिकम्पोज होगा, मतलब टूटेगा और क्या बनेगा, ए स्मॉल पार्टिकल एंड दस द सॉइल आर फॉर्म्ड। और छोटे छोटे पार्टिकल टूट करके ही क्या बना देते हैं, मिट्टी को फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है आपका ओरिजिन ऑफ सॉइल, ठीक है, बहुत इजी है। ध्यान से समझने वाली क्या बात है इसके अंदर कि ये क्या चीज़ का वेदरिंग हुआ, वेदरिंग हुआ इसमें, देखिएगा जो वर्ड हम आपको बता रहे हैं वो ही आपका इंपॉर्टेंट है। सॉइल क्या चीज़ से बना, वेदरिंग के वजह से बना। वेदरिंग क्या चीज़ का हो सकता है, वेदरिंग हो सकता है मैकेनिकल वेदरिंग और क्या होता है केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है, दो तरह का डिकम्पोजिशन होता है। उसमें क्या होता है कि रॉक सरफेस गेट एक्सपोज्ड टू एटमोसफेयर, मतलब जो आपका रॉक था, पत्थर था, वो क्या हो गया कि एटमॉस्फेयर में खुला है, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर फॉर एन एप्रिसिएबल टाइम, एक लगभग टाइम तो लगता है ना टूटने में, वेदरिंग एक्शन में, गर्मी का मौसम, ठंडा का मौसम, एकाएक चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हो गया, तो ये सारा कुछ जब हो रहा है तो एटमॉस्फेयर के वजह से हो रहा है। तो इस एटमॉस्फेयर में अगर रॉक खुला है तो उसको धूप बरसात सब कुछ मिल रहा है। एप्रिसिएबल टाइम इट डिसइंटीग्रेट फॉर डिकम्पोज इन टू ए स्मॉल पार्टिकल, और इसके वजह से वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है और टूट जाता है, टूट जाता है पार्टिकल एंड दस द सॉइल आर फॉर्म्ड। इसके वजह से क्या हो जाता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है इसका। और एक और ये इंपॉर्टेंट है कि पहले इरोजन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है और अपहीवल हो जाता है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। क्या है प्रोसेस, फिर से देखिए क्या होगा, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीवल, इसको आपको क्या करना है, एकदम ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी ए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लीजिएगा उसके बाद आप ये फॉर्म भर सकते हैं, मतलब बिहार के लिए असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट होता है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझ रहे ना। तो आपको जियोटेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एग्ज़ाम के लिए, कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपको जियोटेक क्या होता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना, ज़्यादा कोई घुमा नहीं सकता क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्या हमारा, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में दो तरीके का प्रोसेस होता है, ध्यान से यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला प्रोसेस क्या है आपका, पहला प्रोसेस है फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। दो प्रोसेस होता है, क्या होता है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन। लिखा हुआ है सॉइल आर फॉर्म्ड आइदर बाय फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है, दो मेथड हो गया, चलिए ठीक है। अब बात करते हैं क्या फिजिकल डिसइंटीग्रेशन के अंदर कौन कौन सा मेथड होता है। तो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और मैकेनिकल वेदरिंग, हमने आपको बताया था ना कि ये दोनों सेम है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ रॉक अकर ड्यू टू द फॉलोइंग फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, फॉलोइंग फिजिकल प्रोसेस। तो अब ये दोनों मेथड है, तो अब इनके अंदर कौन कौन सा मेथड आता है। पहला होता है टेम्परेचर चेंज, ठीक है, पहला क्या हो गया आपका, टेम्परेचर जब बदल रहा है उसके वजह से क्या हो रहा है, रॉक डिसइंटीग्रेट कर रहा है। टेम्परेचर चेंज, वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, मतलब क्या हो जाता है कि पहाड़ में अगर छोटे छोटे छेद है उसके अंदर पानी घुस गया, ठीक है, पानी घुस जाने के बाद अब क्या हो गया कि ठंडा का मौसम हो गया, ठीक है, मतलब एकाएक रात को ठंडा हो गया तो वो जम जाता है, कोई कोई ऐसा रीज़न होता है कि रात में जम गया वो पानी, तो क्या होता है कि सिंपल पानी लिक्विड में और आइस को अगर उसको कर दे तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो छोटे से जगह में पानी भर गया और अंदर जम गया तो वो तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो फाड़ देगा पूरा, ठीक है, तो उस वजह से भी क्या हो जाता है हमारा, वो टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है। फिर क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट, मतलब अगर पेड़ जमा रहे हैं तो उसके रूट्स के अंदर क्या हो जाता है, छेद में चला जाता है उसका जड़, और जड़ क्या करता है, रॉक्स को तोड़ देता है। और फिर क्या है, एबरेशन, ये सारा कुछ होता है, गर्मी चेंज होता है, ठंडा गर्म, इसके वजह से भी रॉक डिसइंटीग्रेट कर जाता है, ठीक है। तो देखते हैं पहले टेम्परेचर चेंज क्या होता है। टेम्परेचर चेंज, डिफरेंट मिनरल्स ऑफ रॉक, ध्यान से समझिएगा,
डिफरेंट मिनरल्स ऑफ रॉक हैव डिफरेंट कोफिशियंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। मतलब थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, मतलब जैसे कि लोहा है, ठीक है, एक लोहा है और एक स्टील है, तो दोनों का थर्मल एक्सपेंशन अलग है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको गर्मी दे रहे हैं, दोनों को अगर हीट दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये अलग लेवल पे बढ़ेगा, इसको अलग तरीके से बढ़ेगा। एक लोहा है, स्टील है, तो लोहा का एक्सपेंशन अलग होगा, इसका एक्सपेंशन अलग होगा, ठीक है। दोनों तो फैलना चाहेगा, लेकिन दोनों में क्या हो जाता है कि थर्मल एक्सपेंशन दोनों का अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग, मतलब क्या होता है, लेवल से चेंज होगा। वही चीज़ कह रहा है कि डिफरेंट मिनरल ऑफ रॉक, रॉक भी इसके अंदर भी ऐसा ही केस है कि डिफरेंट कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन होता है। अलग अलग रॉक का क्या होता है, अलग अलग थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अनइक्वल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मिनरल्स अकर ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, और अलग अलग एक्सपेंशन किसके वजह से होता है, गर्मी के चेंज के। जैसे कि बोले ना कि अगर एक लोहे का है, एक स्टील का है, तो दोनों में अलग अलग चेंज आएगा, ठीक है, वॉल्यूम का। तो वही यही करता है कि डिफरेंट मिनरल रॉक का डिफरेंट चेंज होगा, तो वैसे ही टेम्परेचर चेंज के वजह से अंदर ही में, जैसे कि रॉक बना हुआ अलग अलग मिनरल से, तो उसी में कोई अलग फैल रहा है, कोई अलग फैल रहा है, तो दोनों में जहां चेंज हुआ क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट कर गया। व्हेन द स्ट्रेस इंड्यूस ड्यू टू सच चेंजेस आर रिपीटेड मेनी टाइम, ऐसा वॉल्यूम चेंज बहुत बार अगर होगा, तो द पार्टिकल गेट डिटैच्ड फ्रॉम द रॉक एंड द सॉइल आर फॉर्म्ड। मतलब उसके वजह से क्या होता है कि पार्टिकल गेट डिटैच्ड, मतलब जो अटैच है ना वो डिटैच हो जाएगा, मतलब जो पहले से जुड़ा हुआ है वो टूट जाएगा, डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द रॉक एंड द सॉइल आर फॉर्म्ड, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान था, फिर से बोल रहे हैं क्या कि टेम्परेचर चेंजेस में क्या समझ में आया आपको, टेम्परेचर चेंजेस में ये समझ में आया कि इसके अंदर क्या होता है, सिंपली कि रॉक अलग अलग मिनरल से बना हुआ रहता है और हर मिनरल का अपना थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है, ठीक है। तो जब उसको गर्मी मिला, जैसे कि हम लोग आपको बोल रहे हैं ना कि उसको कहाँ छोड़ा गया है, एटमॉस्फेयर में, पहाड़ जो है वो एटमॉस्फेयर में खुला है, तो मौसम जब बदलेगा तो उसके साथ भी चेंजेस हो रहा है, तो गर्मी उसको मिला तो क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, और यही बहुत बार अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, रॉक क्या हो जाता है, टूट जाता है और क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका वेजिंग एक्शन ऑफ आइस, ठीक है। वेजिंग एक्शन ऑफ आइस में देखिए क्या है, वॉटर इन द पोर्स एंड मिनट्स क्रैक्स ऑफ रॉक गेट फ्रोजन इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट। ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है, वॉटर इन द पोर्स, मतलब पहाड़ जैसे बारिश हो गई तो उस पहाड़ में जो छोटे छोटे पोर्स हैं, पोर्स मतलब क्या होता है, छेद, ठीक है, पोर्स हैं, वो क्या हो जाते हैं कि उसके अंदर पानी भर गया, एंड मिनट्स क्रैक, उसके वजह से क्या क्रैक आ जाता है, ऑफ रॉक गेट फ्रोजन इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट, और जब ठंडा का मौसम आ जाएगा तो फ्रोजन हो जाएगा, फ्रोजन मतलब जम जाएगा, तो वही छोटा छोटा क्रैक बन जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, एज द वॉल्यूम ऑफ आइस फॉर्म्ड इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, मतलब जो बर्फ का तापमान, बर्फ का जो वॉल्यूम होता है, और ये ज़्यादा होता है किससे, वाटर से, ठीक है, बर्फ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है वाटर से, तो क्या होता है, एक्सपेंशन आकर, उसके वजह से क्या जाता है कि जब ज़्यादा होगा तो एक्सपेंशन होगा, फैलना चाहेगा, और छोटे छेद में जा कर के फैल रहा है तो क्या हो जाता है, क्रैक आ जाता है, रॉक्स गेट ब्रोकन, रॉक क्या हो जाता है, टूट जाता है इंटू पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, व्हेन लार्ज स्ट्रेस डेवलप इन द क्रैक ड्यू टू वेजिंग एक्शन ऑफ द आइस फॉर्म, और इससे इसके वजह से क्या हो जाता है कि हमारा क्या होता है, डिसइंटीग्रेट हो गया रॉक, टूट गया और क्या बन गया, फाइनली सॉइल बन गया, ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, वही चीज हो गया कि एज द रूट ऑफ द ट्री एंड द शर्ब्स ग्रो इन द क्रैक्स एंड फ्यूजर्स ऑफ द रॉक्स फॉरेस्ट एक्ट्स ऑन द रॉक, मतलब क्या हो गया
कि जो रूट्स होते हैं कोई भी ट्री का, कोई भी श्रब्स का, वो क्या हो जाता है कि उसके पोर्स में जाके चले जाते हैं, और जैसे जैसे वो जाएंगे तो वो फैलना चाहेगा अंदर, ठीक है, और उसमें इतना ताकत होता है कि वो क्या कर दे, पहाड़ को भी तोड़ देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग क्या कहा जाता है कि घर पर अगर पेड़ वेड़ उग जाता है तो उसको फटाफट हटा दीजिए, क्योंकि उसका रूट्स ना आपको दीवार को भी क्रैक कर देता है, ठीक है। तो यही चीज़ हो गया, द सेगमेंट ऑफ द रॉक आर फोर्स्ड अपार्ट एंड डिसइंटीग्रेट द रॉक, इतना उसको फोर्स लगाता है वो क्या करता है कि रॉक को तोड़ देता है। तो ये सब किसके अंदर है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन के अंदर है, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया, अब क्या है हमारा एबरेशन, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक क्या है इसके अंदर, एबरेशन। एबरेशन के अंदर क्या है, एज वाटर विंड एंड ग्लेशियर मूव ओवर द सरफेस, मतलब पानी आया, बर्फ आया, ये सारा कुछ किसके ऊपर आ रहा है, मतलब रॉक के ऊपर आ रहा है, मूव ओवर द सरफेस ऑफ रॉक, एबरेशन एंड स्कोरिंग टेक्स प्लेस, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, और उसको क्या करेगा, घिसेगा, ठीक है ना। बर्फ आके जम गया पहाड़ पे और जाके गल गया, ठीक है। फिर आया क्या, हवा चल रहा है, विंड चल रहा है, उसके बाद क्या है, ग्लेशियर चल रहा है, ग्लेशियर आ गया। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो ऊपरी सतह है उसका घिसते जाएगा, धीरे धीरे घिसते घिसते डिसइंटीग्रेट हो रहा है, और क्या बनता है, सॉइल बनते रहता है। तो ये सारा कुछ किसके अंदर आ गया, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन के अंदर आ गया। ये सारा कुछ किसके अंदर है, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन के अंदर आ गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट केमिकल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है हमारा केमिकल डिकम्पोजिशन, पहला तो हो गया, सेकंड है हमारा केमिकल डिकम्पोजिशन। इसके अंदर कितने मेथड है, इसके भी है 5 मेथड है। पहला क्या है, हाइड्रेशन होना, ठीक है। अब रॉक का फिजिकली तो वो सब चीज़ हो रहा था, गर्मी हो गया, रूट का जड़ का जाना, फिर से क्या होता है, पानी घुस गया तो फैल जा, फट जाना, फिर से क्या होता है कि कोई भी एबरेशन हो जाना, तो ये तो फिजिकली हो रहा था। अब रिएक्शन होता है, उसके साथ रिएक्शन हो रहा है, रॉक के साथ रिएक्शन कैसे होता है, हाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हाइड्रेशन रिएक्शन में क्या है, इन हाइड्रेशन वाटर कंबाइंड्स विथ रॉक, ठीक है। पानी क्या होगा, रॉक के साथ कंबाइन करके रॉक मिनरल, एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू केमिकल कंपाउंड, और उसके साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना लेता है। द केमिकल रिएक्शन कॉज अ चेंज इन अ वॉल्यूम एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इंटू ए स्मॉल पार्टिकल, और जब रिएक्शन हो जाता है तो उस रिएक्शन के वजह से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ठीक है। हाइड्रेशन रिएक्शन होता है, तो हाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है कि वाटर रॉक मिनरल के साथ रिएक्शन कर करके वॉल्यूम को चेंज कर देता है, और जैसे वॉल्यूम चेंज हो जाता है, जैसे वॉल्यूम चेंज का क्या मतलब हो जाए, फैल गया, तो क्या होगा कि जो पहाड़ बना हुआ उसमें वॉल्यूम आप बदल दीजिएगा तो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, और जैसे टूटेगा तो स्मॉल पार्टिकल में टूट जाएगा, और वही स्मॉल पार्टिकल को क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका हाइड्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोनेशन, ठीक है। ये देखिए, ये आप लोग का यूनिट पूरा थ्योरी है, ठीक है। तो इसमें ये टर्म आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है ना। आपको पूछ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बताइए, ठीक है, क्वेश्चन में। तो दो मेथड हो गया, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड। फिजिकल के अंदर 4 टॉपिक है, केमिकल के अंदर 5 टॉपिक है। ये सारा कुछ आपको एकदम विजुअलाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा समझना नहीं है, इसमें क्या है कि आपको थ्योरी है तो आप लोग को ये सारा कुछ तो कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कार्बोनेशन क्या मेथड है, ठीक है। कार्बोनेशन में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर कंबाइंड विथ वाटर, ठीक है। देखिएगा क्या है, नाम से ही लग रहा है कार्बोनेशन, कहीं ना कहीं कार्बन का तो रोल है, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में है, एटमोस्फेयर पे है, और एटमोस्फेयर में ही क्या है, पहाड़ है, रॉक है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर कंबाइंड्स विथ वाटर, और वो क्या होता है, वाटर के साथ कंबाइन किया टू फॉर्म अ कार्बोनिक एसिड, और वो क्या बना देता है, एसिड बन जाता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। द कार्बोनिक एसिड रिएक्ट केमिकली विथ रॉक एंड कॉज देयर डिकम्पोजिशन, और वो जो एसिड है वो जाता है, जब रॉक पे गिरता है तो एक रिएक्शन होता है, और उसके वजह से क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, किसका, रॉक का, और जहां रॉक का डिकम्पोजिशन हुआ तो आपका क्या बन जाएगा, सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड है क्या हमारा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन मेथड। अब इसमें क्या हो जाता है कि ऑक्सीडेशन अकर व्हेन ऑक्सीजन आयन कंबाइंड विथ मिनरल इन द रॉक, मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का रोल है, अब क्या करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन अकर व्हेन ऑक्सीजन आयन कंबाइंड विद द मिनरल इन द रॉक,
से ऑक्सीजन का आयन और रॉक का मिनरल दोनों कंबाइन कर गया, ऑक्सीडेशन रिजल्ट इन डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, ठीक है। और ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, रॉक का डिकम्पोजिशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ द रॉक इज समवॉट सिमिलर टू रस्टिंग ऑफ स्टील, और वो किसके सिमिलर है, जैसे कि जंग लग जाना, ठीक है। तो जंग लगना भी किसके वजह से होता है, ऑक्सीडेशन के वजह से होता है। वैसा ही क्या होता है कि रॉक में जंग तो नहीं लगता है, लेकिन क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है किसके वजह से, आपके ऑक्सीडेशन के वजह से डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक हो जाता है। तो इसके वजह से भी क्या हो गया, आपका आपका फॉर्मेशन हो जाता है किसका, सॉयल का। अब बात करते हैं फोर्थ, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या है कि सम ऑफ द रॉक मिनरल फॉर्म अ सॉल्यूशन विथ वॉटर When they get dissolved in water, ठीक है। क्या बोल रहा है कि sometime the rock mineral form a solution with water when they get dissolved in water, मतलब कि जो आपका रॉक है, रॉक मिनरल, वो क्या करता है कि सॉल्यूशन बनाता है वाटर के साथ, जबकि जब इसको डिजॉल्व, जैसे कि पानी का उसको, जैसे कि बारिश हुआ, ठीक है, पानी मिला, तो रॉक का मिनरल और पानी क्या करता है, दोनों रिएक्ट करता है। केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सॉल्यूशन एंड द सॉयल आर फॉर्म्ड, और उसके वजह से क्या हो जाता है, सॉयल का फॉर्मेशन हो जाता है। किसके में है, ये हो गया सॉल्यूशन का पार्ट। नेक्स्ट है क्या, हाइड्रोलाइसिस। देखिए अब हाइड्रोलाइसिस क्या है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच वाटर गेट डिसोसिएटेड इनटू एच प्लस एंड ओएच माइनस आयन, ठीक है। क्या ध्यान से समझिएगा, ये हाइड्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर गेट डिसोसिएट इनटू एच प्लस एंड OH माइनस आयन। वाटर भी क्या हो जाता है, अलग अलग टूट गया किस में, H प्लस और OH माइनस में आयन। द हाइड्रोजन केटायन एंड रिप्लेस द मेटेलिक आयन सच एज कैल्शियम सोडियम एंड पोटासियम इन रॉक मिनरल्स एंड सॉइल आर फॉर्म्ड विद द न्यू केमिकल कंपाउंड। क्या होता है कि जैसे कि आप वो अलग अलग हुआ, तो हाइड्रोजन आयन रिएक्ट किसके साथ कर जाता है, कैल्शियम सोडियम एंड पोटासियम इन रॉक, ठीक है ना। अब ये सारे जो है ना, सोडियम पोटासियम और क्या होता है, सोडियम पोटासियम एंड कैल्शियम, इन सब के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया और क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है, उसके वजह से क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सारा कुछ क्या है, केमिकल डिकम्पोजिशन मेथड, इससे क्या हो रहा है, आपका सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सारा कुछ इसके अंदर आ गया। दो प्रोसेस आप लोग का इंपॉर्टेंट हो गया फॉर्मेशन में, पहला हो गया फिजिकल, दूसरा हो गया केमिकल। फिजिकल में चार मेथड, केमिकल में पांच मेथड, ये सारा कुछ लिख दीजिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया, ठीक है, कितने टाइप ऑफ सॉइल है जो इंडिया में पाए जाते हैं, टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कैसे पाया जाता है। देखिए ये जो टाइप है, ऐसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। जब आप लोग कोई बुक की बात करते हैं तो एक बीसी पुनमिया बुक ले लीजिएगा, ठीक है, इसके लिए, क्या सॉइल इंजीनियरिंग के लिए, जियोटेक इंजीनियरिंग के लिए। बीसी पुनमिया के अंदर आपको सारा थ्योरी दे रखा है, सब कुछ बहुत एक्स्ट्रा दे रखा है जो कि आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बावजूद जो जो आप लोग को टॉपिक पढ़ना है उसको इसमें से छाट करके और आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो टाइप ऑफ सॉइल बहुत सारा बुक में दे रखा है, तो ये सारा आप लोग का क्या है, उसमें से इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एलुविलियल सॉइल, ठीक है। तो एलुविलियल सॉइल कैसे बनता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, पहले नदी के किनारे पाया जाता है, और ये होता है ना फ्लोइंग वाटर से, जैसे कि नदी जब पानी बह रहा है तो उससे जो सॉइल बन रहा है कहीं ना कहीं डिपॉजिट होकर के, उसको क्या कहते हैं, एलुविलियल सॉइल। रनिंग वाटर में, जैसे कि रनिंग वाटर के थ्रू जब सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होता है, वो क्या कहलाता है, एलुविलियल सॉइल कहलाता है, ठीक है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट, ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी क्या होता है, हमारे सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये बहुत ही खतरनाक सॉइल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये ना एक्सपेंसिव सॉइल होता है, मतलब अगर इसको थोड़ा भी पानी मिल जाएगा ना तो इसका क्या होता है, वॉल्यूम बदलता है और बहुत कीचड़ बन जाता है, समझ रहे ना। ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ब्लैक कॉटन सॉइल, कि इसके अंदर आप लोग ऐसे बचने के लिए आप लोग क्या कौन सा फाउंडेशन देते हैं, ये भी पढ़ना है आगे जियोटेक में ही आपको। तो ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर एक मिनरल होता है, एक बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लैक कॉटन सॉइल में ऐसा कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो उसका नाम है माउंट मोरलोनाइट, ठीक है। उसका क्या नाम है, माउंट मोरलो
नाइट, ठीक है। माउंट मोरलो नाइट कहां पाया जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर पाया जाता है और इस मिनरल के वजह से वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप डायरेक्ट कोई भी घड़बर नहीं बना सकते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल में। इसको या तो उस पूरे मिट्टी को वहां से हटा के दूसरा मिट्टी डाल करके तब घर बनाइए, नहीं तो फाउंडेशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अंडर रिम्ड पाइल कहते हैं इसको, ठीक है। ये सारा कुछ तो फाउंडेशन में पढ़ना है, तो अंडर रिम्ड पाइल ऐसा करके पाइल फाउंडेशन देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों का जो भी होता है कि क्या कहता है, फेलियर होने का चांस कम हो जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल में। इसको क्या कहते हैं, अंडर रिम्ड पाइल हम लोग देते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर। तो ये सारा, ये भी एक तरह का टाइप ऑफ सॉइल है जिसके अंदर क्या होता है, माउंट मोरलोनाइट मिनरल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेड एंड येलो सॉइल, ये भी क्या है, एक तरह का आपका टाइप ऑफ सॉइल है। लैटेराइट सॉइल है। उसके बाद क्या है, माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट सॉइल है। एरिड और डेजर्ट सॉइल, सैलीन एंड अल्कलाइन सॉइल, ये क्या है, टाइप ऑफ सॉइल है जो इंडिया में पाया जाता है और सबका अलग अलग है। एरिड सॉइल क्या, डेजर्ट सॉइल रेगिस्तान तरफ पाया जाता है। सैलीन सॉइल क्या होता है, समुद्र के किनारे आपको पाया जाएगा सैलीन, और उसमें क्या होता है, नमक का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, अलग अलग टाइप का है। तो ऐसे तो बहुत तरह है, लेकिन ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इस लेक्चर में है। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे का पार्ट देखेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सॉइल का क्या रोल है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।